शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालन हार दा नाम लेके जो सब ते बहुत ही रहमता और बख्शिशा करने वाला है। अज दा सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह दे नाल सानू इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया अज वाकई आनंद की गल है। देखो कित्थे बैठना सी ते कित्थे बैठे हैं असीं। तो इस परिवार की वजह नाल इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलिया है तो सब तो पहला असीं अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरां नूं बहुत बहुत बधाई देवांगे मुबारकबाद देवांगे क्योंकि जदों इंसान सत्संग करवाता है तो बहुत बड़ी नेकी खटदा है वह और जदों इदां दी नेकी होवे जिहदे च उहदा तां भला हुंदा ही उहदे नाल नाल देखो हज़ारां जीवां का भला हो जाता है तो फिर वह बधाई का हकदार भी हुंदा है। और बधाई दे नाल नाल आओ इस परिवार वास्ते उस मालिक दे घर च अरदास बेनती करिए कि मालिक इस घर परिवार नूं हमेशा खुशियां दे नाल रहमतां दे नाल बरकतां दे नाल भरपूर रखन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होवे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की मालिक इन्हां नूं देण। और जदों अगली बार सत्संग ते आईए ना तो फिर वह रहमत सब नूं नज़र आवे फिर कि मालिक की रहमत कर गए क्योंकि कहा जाता है कि वो घर के ना चुस्त चलाकी नहीं चलनी तकसीमा जरबा की कमला होके लुट लै भावे दौलत अरबा की वो रहमत चाहिए तो थोड़ा भोले बनना पैंता है समझते हो कि नहीं क्योंकि चलाकियां दुनिया के काम आदि पर घर चलाकी नहीं घर प्यार और विश्वास कम आता है। और देखिया है तो बेशक घर इन्हों का नीमा है या घर छोटा है पर इन्हें सोच बड़ी उची है कि साल च एक दो बार सत्संग करवा लेंगे है समझते हो कि नहीं। और कई बार अभी देखते पक्के मकाना वाले के घर हले चरण प्रवेश भी नहीं होया कभी तो इन्होंने घर च सत्संग भी हो गया और हुंदा हर साल हुंदा है और मालिक ने हौली हौली और रहमत करनी कि छे महीनों बाद होया करेगा क्योंकि जो इन्होंने देना है ना वो सानू अज नज़र आ रहा है। ये गल फिर कहांगे अज दुनिया ते ना बहुत बड़ी एक बच्चों की पार्क है जिन्हों डिजनीलैंड कहा जाता है सब तो पहला वह अमेरिका के अंदर वो नींह पत्थर रखा गया सी। पर उसकी शुरुआत कितों हुई सी कि जिहड़ा डिजनीलैंड का मालिक सी ना डिजनी वो कहिंदे एक बार अपने दोस्त नाल गड्डी च बह के जा रहा सी तो उसकी नज़र एक जमीन पर गई जो बंजर सी जमीन बड़ी बंजर सी जो उन्हें जमीन देखी तो अपने दोस्त को कहा गड्डी रोक वो कहिंदे इत्थे देखण नूं की है ना गड्डी रोकनी है पर फिर भी कहते गड्डी रोकी तो गड्डी च उतर के ना उन्हें इदां नज़र मारी खाली जमीन नूं देखिया फिर अखां बंद कीतियां अखां बंद करके थोड़ी देर मत्थे ते हाथ रख के क्योंकि इहनू कहा जाता चिंतन करना बोलो समझदे हो कि नहीं। इसलिए एक गल तुहानू कहांगे कि अगर जीवन च कामयाब होना है ना तो चिंता ना करो चिंतन करो क्योंकि चिंता हाए मेरा कल की होएगा कल की बनेगा कल अच्छा होएगा कल माड़ा होएगा मेरा कम चलेगा मेरा कम नहीं चलेगा मैं फेल होना मैं पास होना इदां दी चिंता विच बंदा टेंशन लैके अपने जीवन में दुखा ना भर लैंदा है। इस करके जिहड़ा असफल इंसान हुंदा ना असीं गल कहांगे कि नाकामयाब इंसान आने वाले कल की चिंता करता है तो जिहड़ा कामयाब इंसान है वह आने वाले कल का चिंतन करता है। चिंतन का मतलब हुंदा प्लैनिंग करनी कि कल नूं मैं कितना अच्छा कर सकता है कल नूं मैं की अच्छा बना सकता है। जिदा हुण समझ लो नाकामयाब इंसान वह है जिहड़ा आने वाले कल की चिंता करता है। जिदा फर्ज करो एक बच्चे का पेपर है वह चिंता करता पता नहीं मैं पास होना या फेल होना कि मैं फेल हो गया मेरे डैडी ने कुटना है जे मैं फेल हो गया दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाना है जे मैं फेल हो गया तो आज गल होनी है वह गल होनी है। ये चिंता में अपनी जिंदगी दुखों का भर लेंदा है तो जिहड़ा सफल होने वाला है उसका भी पेपर होंदा पर वो चिंतन करता है कि किदां मैं मेहनत करा किहड़े सब्जेक्ट ते मेहनत करा ताकि मैं अच्छे नंबर लैके पास हो सकां। वो पढ़ने विच ध्यान दिंदा है वो मेहनत करने विच ध्यान दिंदा है तो जिहड़ा मेहनत करने विच ध्यान दिंदा वो पास भी कह दिओ हो जांदा कि नहीं। इस करके गल तां सारी चिंतन दी है। हुण अज सच्ची दस्सिओ कि तुसीं ज़्यादा चिंता करदे हो चिंतन करदे हो बोलो समझदे हो कि नहीं। तरां सोचो हुण जिदां फर्ज करो अपनी गल लै लईए
ਅਸੀਂ ਸੋਚੀਏ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਹੈ ਇਹ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਾਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਚਿੰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਨਰਜੀ ਭਰਨੀ ਹੈ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਕੱਲ ਤੋਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਯਕੀਨ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਾਲ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਰੋਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਕਰੀ ਜਾਓ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੇਗੀ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਘੱਟ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਨਮਕ ਨਾ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਆਹ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਬੇਸਵਾਦੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਪਕਾ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਦ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੜੀ ਪੱਤਾ ਪਾਵਾਂ ਇਲਾਇਚੀ ਪਾਵਾਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਟੇਸਟ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚਾਹ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਿੰਪਲ ਚਾਹ ਵੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਪੱਤੀ ਪਾਈ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਔਰ ਖੰਡ ਪਾ ਕੇ ਲਓ ਜੀ ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਕਿ ਚਾਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅੱਛੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਇਲਾਇਚੀ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਹਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਦਰਕ ਵੀ ਪਾ ਦਿਓ ਹੈਲਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਲਾਈ ਪਾ ਦਿਓ ਇਹਦੇ 'ਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਪਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਟੇਸਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੋਰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਚਿੰਤਨ ਇਸ ਲਈ ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਚਿੰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕੰਮ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਨਹੀਂ ਚਿੰਤਨ ਕਰੋ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਉਠਾਵਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੁਛ ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਫਲ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 9 ਵਜੇ ਆਫਿਸ ਲੱਗਣਾ ਤਾਂ 5 ਵਜੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ 9 to 6 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਛੁੱਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ 9 to 6 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਾਂ 9 to 5 ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ 5 to 9 ਤੱਕ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ 5 to 9 ਕਿੱਦਾਂ ਤੜਕੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠੋ ਉੱਠ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਔਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 to 9:30 ਤੱਕ ਮੈਂ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਰੈਸਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੜਕੇ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਉੱਠ ਸਕਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਤੜਕੇ ਉੱਠ ਕੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ 9:30 to 10 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਨੁਕਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅਗਰ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸਫਲ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਓ ਨਾ ਅੱਜ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਦੱਸਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਦੀ ਅੱਛਾ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਿਮਰਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ 1/2 ਘੰਟਾ ਬੈਠਣਾ ਪੂਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੈ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ ਕੱਲੇ ਵੀ ਨਾਮ ਲਿਆ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਬੈਠਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਉਹ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਹੁਣ ਜੇ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਬੈਠੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਨਾਲ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਦਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੰਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਸੋਚੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਦੀ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਵਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੱਤ ਖਿੱਚ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ
हुण बंदा काम करता है, जे तुम फर्ज करो एक बंदे नूं पता मैं ऑफिस जाना है, मैं काम करना है दुकान ते, आपां पता की कहिंदा उह, सोच की हुंदी है यार ये काम मैनूं पसंद नहीं है, दिल नहीं करता काम ते जाण नूं, ये काम दे विच जाण नूं तेरा दिल नहीं करता, तैनूं पसंद नहीं है, ते काम च बरकत कदी हो ही नहीं सकती, ये काम तैनूं तरक्की कदी दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिहड़ी चीज तैनूं पसंद ही नहीं है उह ना तैनूं अगे कदी लैके, इसलिए ज्यादातर हिमाचल अंदर खेतीबाड़ी करन वाले ऑफिस जाण वाले, तां जे खेत जांदे हो ना ये कहो मैं प्यार करता अपने काम ना, चाहे आलू ही बीजने हैं उन्हें हाथ से लैके ना प्यार है मैनू अपने काम ना, समझते हो कि नहीं? ताही तो पुराने समय बजुर्ग कहते होंगे सी, की कहते होंगे सी कि अपने काम नू भी भगवान का दर्जा दो, कहते ना ग्राहक भी ईश्वर के समान होंदा है, कहा जाता कि नहीं, एक कहावत होंगी है, हुण बंदे नू पता है कि मेरा यह काम है, पर आप ही कहना अपने काम नू मैनू यह पसंद नहीं है, हुण बच्चों के पेपर होंगे है तो बच्चे की कहते हैं यार पेपर मैं पसंद नहीं है, आ पेपर ने नफरत है मैनू, हूँ जे तेन पेपर ने नफरत है तो तू कभी पास हो ही नहीं सकता, जे तू कहे मैं पेपर पसंद है मैनू एग्जाम पसंद है, क्योंकि यही तो मैं अगली क्लास में लैके जाते हैं, जे यही ना हो तो अगे कभी मैं बद सकता ही नहीं हाँ, मैं प्यार है ये हूँ, जिड़ी चीज़ ना मैं प्यार होएगा वह काम मैं खुशी ना करूँगा, और जोड़ा काम खुशी ना किया जाए उस मजा भी आता है और सानू अगे भी लैके जाता कि नहीं, हुण जरा सच दस्यो असि अपने काम ते जाते हैं चाहे घर का काम करते हैं, समझते हो कि नहीं? क्योंकि फिर कहांगे कि एक औरत सोचे सवेरे उठ के आ मैनू रोटी बनानी पसंद नहीं है, आ मैनू दाल बनानी पसंद नहीं है, वह मजबूरी से बनाएगी ना वह बेस्वादी ही बनेगी, उस मजा ना उन्हें बनाने का आएगा, ना बनाने वाले नू मजा आएगा, ना खाने वाले नू, कह दियो मजा आएगा, पर जे तुसी कहो मेरा काम है मैनू पता मैं करना ही है छड़ना नहीं है, क्योंकि जा तो जे तुहानू पसंद नहीं जा तो छड़ के अलग हो जाओ, पर जे पता मैं करना ही है तो मैं प्यार ना क्यों नहीं करना, जे प्यार ना करूंगा तो काम मैनू एनर्जी देगा, वह काम मैनू खुशी देगा, क्योंकि जिहड़ी चीज़ दा असीं प्यार करते हैं वह काम करन विच सानू मजा भी आता है, और जिहड़ी चीज़ नाल सानू प्यार नहीं है वह काम करना सानू उत्ते सजा लगता है, सजा लगता कि नहीं जो मजबूरी कुछ किया जाए, और देखा जाता कि इंसान को पता मैं करना भी है फिर भी बंदा दुखी होकर करता है, अपनी जिंदगी आप ही सजा ऐसी बना लेंगे, अपनी जिंदगी आप ही दुखों भर लेंगे, हम फर्ज करो तुम सत्संग चाहे हो, जे तुम कहते मैं सत्संग में प्यार है तो बैठन च मजा आएगा, तो जे तुम कहो आ मजबूरी च बैठा तो फिर हो करो, तो जिन्ना चिर सत्संग चलना मन परेशान जहा रहना, हूँ यह मतलब की है असी अपने जीवन आप ही दुखा नाल भर लिया, तो हूँ मैं पता मैं बैठना ही पैना, तो फिर दुखी होकर क्यों बैठा, खुशी नाल बैठा ताकि मजा आवे मैनू, ताकि अद्धा घंटा 45 मिनट जिन्ना टाइम भी मिले मैनू मजा आवे, समझते हो कि नहीं? इसलिए अज तो पहला पॉइंट याद रखना कि अपने काम नाल की करना है, जिहड़ा भी काम असी कर रहे हैं, हुण असी सत्संग कर रहे सानू प्यार है सत्संग नाल, ताही भैया 2 घंटे लगे रही है 3 घंटे लगे रही है, कई बार सेवादार इशारा करते मालको 2 घंटे हो गए बस करो, पर सानू टाइम का नहीं पता लगता, क्योंकि जो जिहड़ी चीज़ का प्यार होवे ना उस चीज़ च बंदे नू टाइम का पता नहीं लगता, समझते हो कि नहीं? प्यार है सानू, इसीलिए तुसी भी जदों जिहड़ा काम तुसी कर रहे हो उहदे नाल प्यार करना सीख लिया तो उही काम तुहानू तरक्की देनी शुरू कर देगा, वह काम तुहानू बरकत देनी शुरू कर देगा, चाहे काम छोटे तो छोटा होवे, जे एक बंदा बूट भी पॉलिश करता है ना मन च सोचे यार मैं करना नहीं चाहता ये काम माड़ा है, पर करना करी जाता है माड़ा समझ के करता है तो उन्हें उत्थे ही रह जाना है, नहीं तो ऐसी बहुत इदा दे देखे पढ़ी ऐसी इदा दे इंसानों की जिंदगी जेडे बूट पॉलिश करन तो अज शोरूमां दे मालिक बन के बैठे है, क्योंकि उन्होंने प्यार से अपने काम ना, वो जो बूट भी पॉलिश करते से कहते प्यार है मैनू ये काम ना, क्यों प्यार है? क्योंकि ये काम मैनू रिजक दिंदा है, एक काम मेरा पेट भरता है, एक काम दे नाल मेरा परिवार चलता है, इसलिए मैनू प्यार है, जो उहदे नाल प्यार करदे तां फिर उच बरकत आती है, क्योंकि जो प्यार ना किया जाता तो जिदा फिर कहांगे कि जिहड़ी चीज़ प्यार ना बनाई जाए ना प्यार ना की जाए वह मजा ही कुछ होर हुंदा है, और तुसी एक कवाली सुनी होनी है कि बे सोने दिया कंगणा वे सौदा इको जिहा, उहदे कहानी दसी जाती जो निजामोद्दीन औलिया सुनांदे हुंदे सी, हज़रत निजामोद्दीन औलिया एक बहुत बड़े फकीर सी जिहड़े अपने प्यारियां नूं कहानी सुनांदे हुंदे सी कि एक वार ना एक धोबी सी
ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਧੋਬੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਧੋਬੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਪਤਨੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਧੋਬਣ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟਾ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧੋਬਣ ਰਾਜੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ, ਰਾਣੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਗਈ ਤਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬੇਟਾ ਮਹਿਲ 'ਚ ਗਿਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਨਜ਼ਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ 'ਤੇ ਗਈ, ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ 'ਤੇ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਸਮਝ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਧੋਬੀ ਹੈ। ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਤਾਂ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਤੇਰੀ ਗਰਦਨ ਕੱਟ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਕਮ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇੰਨੀ ਮਜ਼ਾਲ ਧੋਬੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇਸ਼ਕ ਕਰੇ, ਕੱਟ ਦਿਓ ਇਹਦੀ ਗਰਦਨ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੁਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਬਾਪ ਗਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਤੂੰ ਹਾਲੇ ਜਵਾਨ ਹੈ, ਉਮਰ ਹੀ ਤੇਰੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ 20-22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਬਰਦਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਫਵਾਹ ਉਡਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੱਜਣ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣ, ਇਹਨੂੰ ਲੁਕੋਈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਈਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀਰੇ ਮੋਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ ਮੈਂ, ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਦੀ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ 'ਚ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ ਗਹਿਣੇ ਕਿਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਣ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਲੌਕ ਲਾ ਕੇ ਚਾਬੀ ਜੇਬ 'ਚ ਰੱਖੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਘਰ ਦੇ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ, ਆਹ ਦੇਖ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਨੇ ਤੋਲੇ ਸੋਨਾ ਰੱਖਿਆ, ਆਹ ਦੇਖ ਲਾ ਆ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਦਾਂ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਹੁਣ ਧੋਬੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ਼ਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ ਪਿਆਰ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਆਉਣੇ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੋਣਾ ਉਹਨਾਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੋਣੇ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਹੌਲੀ 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 ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਧੋਬਣ ਆਈ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਦਿਨ ਧੋਬਣ ਨਹੀਂ ਗਈ ਮਹਿਲ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਤਾ ਕਰੋ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਿਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਰਾਜੇ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜਤਾਇਆ, ਫਿਰ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਧੋਬਣ ਨੂੰ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਔਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਜਿੱਦਾਂ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ, ਉਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਉਨੇ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਧੋਬਣ ਦੀ ਭੁੱਬ ਨਿਕਲ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੋ ਹੋਣੇ ਆ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਧੋ ਹੋਣੇ ਆ। ਉਹ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ, ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ, 2 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਦਰਅਸਲ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਲੁਕਾਉਣਾ ਕੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਧੋਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧੋਣਾ, ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਸਰ ਨਾ ਕੋਈ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਪਣੀ ਕਿ ਇਹ 'ਚ ਆਹ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਇਹ ਘਰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾਈਏ, ਕੀ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਮਾਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਦੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲੇ ਉਹ ਮਿਲੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੰਗ ਭਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਠਾਸ ਭਰ ਦਈਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਅਸਲੀ ਸਵਾਦ ਭਰ ਦਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਔਰ ਨਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਜਾਈਦਾ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਸ ਹੱਸਦਿਆ ਕਰੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਹੱਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਗਈ, ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਡੀ ਭੁੱਖ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਉੱਥੇ ਵੀ ਖਾਣ ਪੀਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂ, ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧੋਬਣ ਨੇ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਇੰਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਕਰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਕਹਾਣੀ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਦੱਸਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਧੋਬੀ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਇਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਰਾਜਕੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਸ਼ਕ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਿਕਰ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੱਪੜੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੋਚੇਗਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਅੱਛਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਛੁੱਟ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਗਿਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਦੁਖੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਅਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਉਦਾਸ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਮੁਸਕੁਰਾਹਟ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੇ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਹਾਏ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਹਾਏ ਇਗਜ਼ਾਮ ਆ ਗਏ, ਹਾਏ ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਹਾਏ ਨਿਕਲਣੀ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ, ਹਾਏ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਜੇ ਉਹ ਵਾਹ ਵੀ ਵਾਹ, ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਪੇਪਰ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮਜ਼ਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਜਾਣਾ ਹੁਣ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਹਿ ਦਿਓ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਉਲਟੀ ਨਾ ਲੈ ਜਾਇਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿਗਰਟ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਸਿਗਰਟ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਆਹ ਪੁੱਠੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਆਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਸੋਚੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਗ ਲਾ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ? ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੀਏ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਈ ਲੋਕ ਨਾ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਹਿਣਗੇ ਲੈ ਵੀ ਭੋਲੇਨਾਥ ਸ਼ਿਵ ਸ਼ੰਕਰ ਵੀ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਹੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਆ, ਭੰਗ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਵੀ ਪੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰ ਵੀ ਪੀ ਕੇ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਬੋਲੋ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ
कहानी है ना, बड़ी प्यारी साखी है, बड़ी प्यारी साखी है शंकराचार्य के जीवन की। ना वो घटना पढ़ी असी, सानू बड़ी प्यारी लगी कि शंकराचार्य कि जिन्होंने कहते पूरे भारत की यात्रा ना पैदल की और बड़ा ज्ञान लोगों को बड़ा तारिया, लोगों बहुत तारिया, बहुत ज्ञान दिता उन्होंने। एक बार किसी ने उन्होंने सवाल किया कि महाराज के इंसान नू मदरा मदरा यानी शराब जिन्हों कहते पीनी चाहिए या नहीं, तो उसने शंकराचार्य कहते आ जा मेरे मगर। कहते अगे अगे तुर पे हो क्योंकि बड़ा ध्यान करने वाले, बड़ी बंदगी करने वाले सी, बड़ी भगती करने वाले सी। तुर पे अगे 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 एक जगह देखिया कि उस वेले घड़िया च हुंदी सी शराब, अजकल तो बोतलां ही पैक करके ठेकियां रखी जांदी ना, उस वेले दुकाना हुंदियां सी घड़े भरे हुंदे सी, ओह चो किसे ने जिन्नी लैनी उन्नी उन्हूं प्यालियां च पा के दे देनी। कहिंदे शंकराचार्य गए नाल उहदे सेवक भी सी तुरे, उत्थे ना छोटा जिहा घड़ा पिया सी, उन्होंने जांदे ही घड़ा चुकिया और सारा पी लिया, घड़ा चुकिया और सारा पी लिया। उह सवाल करन वाला कहिंदा इहदा मतलब पी लैनी चाहीदी है, क्योंकि मैं पुछिया सी पीनी चाहीदी कि नहीं, इह तां आप ही पी गया पूरा घड़े दा घड़ा, पी लैनी चाहीदी है। वह कहिंदा महाराज इहदा मतलब की समझा, पी लैनी चाहीदी है। कहिंदे हले अगे आ जा, अगे आ जा, हो कहिंदे नाल लै के अगे तुर पे। अगे तुरे जा रहे हैं तां अगे एक लुहार की दुकान है, लुहार ने एक बर्तन में ना लोहा गर्म किया होया, उन्हें कोई चीज़ बना उहदी बनानी है, लोहा गर्म करके रखिया होया है। वह गए लुहार दे कोल, पुछिया इहदे च की है, कहिंदे पिघलिया होया लोहा है। उन्होंने चक्या बर्तन, लोहा भी पी गए, लोहा भी पी गए। वह कहिंदे लै जे तू लोहा भी पी सकता फिर तू दारू भी पी सकता है, क्योंकि इत्थे गल दारू दी, शराब दी, मदरा दी या लोहे, इत्थे गल है कि तू अंदरों किन्ना का मजबूत है। जिहड़े अंदरों मजबूत हुंदे ओह जहर भी पी लैण तां उहनां ते कोई असर हुंदा ही नहीं है। अज इंसान नूं ना एक जहर की बूंद दित्ती जावे, एक जहर की बूंद दित्ती जावे तां बंदा मर जांदा है। पर एक ना नौजवान है स्टीव लुडविन, जिहदा नाम है जरा हुण गौर करना, स्टीव लुडविन की है कि उन्हूं कोबरा सप भी डंग मार दे तो उन्हूं मार नहीं सकता। कारण की है, उस स्टीव लुडविन अपने जीवन की घटना दसदा है कि सप के जहर का भी असर उत्ते क्यों नहीं हुंदा, क्योंकि उन्हें एक बार, क्योंकि वह आप तो लंदन का है, वह कहते एक बार मैनू ना बिल हॉस्ट नाम के आदमी को देखने का मौका मिले जो अमेरिकन है, कि वह सप्पा नूं फड़दा सी, सप्पा का डंक भी उन्हूं वजदा सी तो परवाह नहीं करता सी। जरा हम गौर करना, और हुणे पिछे ही सन 2000 विच ही यानी 2011 या इहदे नियर अबाउट ही उहदी मौत होई है बिलहास दी। ते हुण उह कहिंदे है कि उहनूं मैं देखिया कि सप उहनूं डंग मारदे सी तां उह मर्द, उहनूं कुछ हुंदा ही नहीं सी, तां मैं उहनूं पुछिया इह की है, उह कहिंदा मैं बचपन तों इक आदत बनाई है, मैं सप दा जहर पीण दी आदत बनाई है। लोग दवाई पीते हैं ना, मैं सब तो पहला थोड़ी मात्रा सप का जहर लेना लिया, यह मेरी हेल्थ वास्ते चंगा, क्योंकि कई बीमारियों तो यह बचा के रखता है। तो कहना हौली हौली मैं मात्रा बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, बढ़ाता चला गया, और फिर की होया, पहला जिदा समझ लो इन्ना क लेना, जिदा बंदा कहता ना कि अद्धा ML, फिर 1 ML या मिलीग्राम वो तो भी थोड़ा, फिर हौली हौली मैं वो बढ़ाता गया कपैसिटी। तो हूँ तो यह है कि सप डंक भी मारे तो मेरे असर होंगे ही नहीं, क्योंकि मेरी बॉडी ये जहर न अबजर्व कर लेंदी, जानी हजम कर लेंदी है, हुण इहदा असर ही कोई नहीं है। तेरा समझना सारिया ने, वह कहिंदे जदों मैं उन्हूं सुनिया तो स्टीव लुडविन कहिंदा फिर मैं भी यही काम करना शुरू किया, और अज भी वह स्टीव लुडविन तो अज भी दुनिया ते है। जे तुसीं उहदा करोगे ना तो पूरा रिकॉर्ड आ जाएगा कि किदां वह अज भी सप दे जहर नूं पींदा है, तो उत्ते कोई असर ही नहीं होगा। ये क्यों, जरा हुण गौर करना क्यों, क्योंकि उन्हें अपने आप को तैयार किया, जिदा कि चिंतन किया उन्हें कि किदां मैं ये चीज़ को हजम कर सकता जो मेरे वास्ते कल नुकसान देने वाली है, मैं इदां दा अपने आप को बनावा कि उही मैनू फायदा देने वाली बन जाए। यानी कुदरत ने तुहाडे अंदर इन्नी शक्ति रखी हुई है कि अगर तुसीं थोड़ा जिहा स्ट्रोंग बन जाओ तो तुसीं इदां दे बन सकते हो कि सप दे जहर का भी असर तुहाडे ते ना होवे। पर ये काम जकदम नहीं होंदे, बोलो समझ दिओ कि नहीं, ये काम जिहड़े है कि बंदा कहे लै भी वह पींदा तो मैं भी जाके हुण ही सप दा जहर पी लां, फिर तो तुसीं मरना ही है, क्योंकि तुहाडी बॉडी उहदे वास्ते रेडी नहीं है। यही गल शंकराचार्य भी दस रहे हैं,
कि बंदा कहिंदा मैं आ करना वो करना जा भोलेनाथ महादेव नशा करते सी या आ चीज पींदे सी तो उन्होंने अंदरली अवस्था इदां दी सी जो मर्जी कर लो तो असर हो ही नहीं सकता। हुण एक बंदा सोचे स्टीव लुडविन भाई ये सप तो डंक मरवा लैंदा है क्योंकि इन्हें छोटे छोटे सप हत्थां च फड़े है जिहड़े तो डंक मार रहे हैं जिहड़े सब तो खतरनाक सप उन्हूं लड़ रहे हैं पर वह हस रहा है। हुण जे बंदा सोचे ये कर सकदा मैं भी करके देख लवां तो फिर तो बंदे ने वह मूर्खता मरना ही है। हुण एक इंसान मेहनत करके उत्थे पहुंचा है हुण बंदा कहिंदा वह कर सकदा मैं क्यों ना करा तो भाई पहला तू भी मेहनत करके उत्थे तक पहुंच जा फिर तू जो मर्जी कर लै बोलो समझ दिओ कि इसलिए फिर इतने कहांगे प्यार करना तो अच्छाई नाल प्यार करना है अच्छे गुणों नाल प्यार करना है बुरी चीज़ नाल जिहड़ी चीज़ साडी जिंदगी नूं बर्बाद करन वाली है साडी जिंदगी नूं तकलीफां दुखां नाल भरन वाली वो चीज़ नाल प्यार नहीं करना। इसलिए कामयाबी का पहला नुकता कि अपने काम नाल प्यार करिए। काम का मतलब दुकान नहीं काम का मतलब बिजनेस ही नहीं काम का मतलब मैं जो कर रहा जे मैं सत्संग सुन रहा तो मैं सत्संग नाल प्यार है जे मैं मैडीटेशन ध्यान कर रहा मैं ध्यान नाल प्यार है जे मैं घर के रोटी खा रहा तो मैं खाने नाल भी प्यार है इतने तक मैं जो भी कर रहा भावना दो कि मैं ये प्यार है क्योंकि जो प्यार तुसी किसी चीज़ ना करते हो ना तो हर शायद अंदर परमात्मा है बोलो है कि नहीं जवाब देना तुसी। बंदा कहता कि पत्ते पत्ते जर्रे जर्रे कण कण अंदर वो भगवान है परमात्मा है कहता कि नहीं तो फिर असी नफरत कितना करते हैं बोलो समझ दो कि नहीं। फिर असी जो भी काम कर रहे हैं जो कुछ खा भी रहे हैं हुण देखो कई बार की हुंदा है ओ यार दाल खानी मैनूं पसंद नहीं पर मजबूरी जी खानी पैनी है क्योंकि होर कुछ है ही नहीं तो फिर मजबूरी जी क्यों खानी ज्यादा भुखा रहे या फिर कह मैनूं इहदे नाल भी प्यार है क्योंकि इन्हें अंदर जाके मैनूं जिंदगी देनी है और समझदे हो कि नहीं। जिहनूं तुसीं पानी कहिंदे हो जिहनूं रोटी कहिंदे हो दाल सब्जी कहिंदे हो चाहे कोई फ्रूट कहिंदे हो ये समझ लो जब तक तुहाडे हाथ च फ्रूट है पर जदों तुहाडे अंदर चला गया ना ये तुहाडी जिंदगी बन गया तुहाडा जीवन बन गया क्योंकि अंदर जाके ही नहीं तुहानूं जीवन देना है। तो जे इसी चीज़ नूं नफरत नाल भेजांगे मैनूं पसंद नहीं है पर अंदर जा रही है तो इन्हें नुकसान करना है तो जे कहांगे मैनूं इहदे नाल प्यार है ताही तां गुरु रहवर की कहिंदे सी खाना सामने आवे ना सब तो पहला खाने नूं नमस्कार करो हाथ जोड़ो रब दा नां लो शुकर करो फिर भोजन खाओ क्योंकि जो शुकर करके प्यार नाल वो चीज़ अंदर जाएगी तो उहदा असर अच्छा होएगा। और मैनूं पसंद नहीं है मैनूं तां नफरत है गोभी नाल जां मैनूं नफरत है बताऊं नाल पर खाने बताऊं ही है क्योंकि खाने पैने है ही कुछ नहीं तो नफरत नाल कोई चीज़ अंदर जाएगी तो उन्हें प्यार थोड़ी करना तुहानूं उन्हें जाके अपना रंग दिखाना ही है। फिर बंदा कहिंदा आ चीज़ खा के फारा पै गया आ चीज़ खा के गैस बन गई आ चीज़ खा के पेट दुखन लग पिया इहदा मतलब तू खाधी चंगी नीयत नाल नहीं सी तू खाधी नफरत नाल सी मजबूरी च सी क्योंकि जिहड़ा काम मजबूरी च कीता जावे हमेशा दुख कह दिओ दिंदा है कि नहीं। तो जिहड़ा काम खुशी नाल कीता जावे प्यार नाल कीता जावे हमेशा वह मजा ही दिंदा है समझदे हो मजा ही दिंदा है। इस करके जिहड़ा काम तुहानू औखा लगता ना उहनू भी कहो मैनू एक काम नाल प्यार है तुसीं देखोगे कुछ दिनां च ही कुछ महीनियां च ही वह काम भी तुहानू मजा देण लग जाएगा समझ आ रही कि नहीं। जेले पहला पॉइंट लिख लिया नोट कर लिया अपने दिल च कि कामयाब होना है चाहे रूहानियत का मार्ग है चाहे दुनियावी मार्ग है चाहे बच्चों ने पढ़ाई च कामयाब होना तो जिहड़ी चीज़ च भी असी कामयाब होना चाहते हाँ अपने काम नाल प्यार करिए। कभी यह ना कहिए मैनू मैथ पसंद नहीं मैनू हिंदी पसंद नहीं मैनू पंजाबी पसंद नहीं मैनू आह सबजैक्ट नहीं बल्कि कहो मैनू हर सबजैक्ट पसंद है मैनू हर पाठ पसंद है क्योंकि इन्हें तो मैनू अगे लैके जाना और तुसी अगे वधना चाहते हो कि नहीं। हुण जे तो उत्थे बैठे रहना फिर तो ठीक है जे तो उत्थे बैठे रहना फिर तो ठीक है तो जे अगे जाना है तो फिर सानू वह चीज़ नाल प्यार करना ही पएगा क्योंकि फिर कहांगे जिथे प्यार हुंदा तरक्की भी उत्थे हुंदी है बच्चे भी उदों ही वधदे फुलदे जे माता पिता उन्हां नूं प्यार करदे ते जे माता पिता प्यार ही ना करन तां कई वार देखिया ना खबरां आंदियां कि फलाना बच्चा ढेर तों मिलिया फलाना बच्चा कूड़े तो मिलिया फलाने बच्चे नूं नाली च सुट्टिया सी उत्थों उह समाज सेवक कढ़दे होए दिखाए गए आ क्योंकि कई वीडियो दिखाईआं सानूं देखीआं असीं। हुण इहदा मतलब जे प्यार नहीं उह माता पिता भी अपने बच्चे दी अगे वधण विच मदद नहीं करते क्योंकि प्यार ही है नहीं। तो जिथे प्यार हुंदा है उत्थे माता पिता कहिंदे कि सब कुछ बेचना पवे अपने खून का भी एक कतरा देना पवे इहनूं अगे वधा के हटना ये प्यार है। प्यार विच बंदा हमेशा दूजे नूं कह दिओ अगे लिजाण की कोशिश करता है। जदों असीं कुदरत नाल प्यार करांगे अपने काम नाल प्यार करांगे अपने भोजन नाल प्यार करांगे
हर चीज नाल प्यार करांगे, जो भी साडे कोल है ओदे नाल प्यार करांगे, तो चीज हमेशा सानू खुशी देगी, अगे लैके जाएगी। इसलिए फिर कहांगे गल नू सुन के भुल ना जाओ, क्योंकि ऐसी जिन्नियां मर्जी ज्ञान दियां गल्लां सुन लईए वो साडे जीवन नू बदल नहीं सकदियां जब तक असीं उहनां ते अमल नहीं करांगे। बोलो समझदे हो कि नहीं? इंसान कहे ना दुनिया भर का ज्ञान मैं सुन लिया पर फिर भी बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि सुनने वाली गल नहीं बनती, गल हमेशा बनती है कि गल चाहे एक ही सुनीए उन्हें समझिए उत्ते अमल करिए, उन्हें साडे जीवन च बदलाव ले आना। इसलिए पहली चीज याद हो गई, दस दौ फिर कि पहली चीज अपने काम नाल प्यार करना। हुण दूजा पॉइंट ये है, दूजा पॉइंट भी लिख लो, पहली अपने काम से प्यार करो और दूसरा अपने हर काम को बेहतर ढंग से करने की कोशिश करो। जो भी तुसी करते हो, जो भी तुसी करते हो उन्हें अच्छे ढंग ना करन दी कोशिश करो। जिदा हम फर्ज करो एक बच्चा होमवर्क कर रहा है, एक उन्हें लाइन लिखी है, एक पेज लिखिया उन्हें, और हुण उह सोचता है इदा लिखिया मेरी लिखाई अच्छी नहीं, इहनूं होर अच्छा करा। जो तो होर अच्छे ढंग ना करन दी कोशिश करते ना, फिर ही साडी सुधार भी कह दियो, फिर ही हुंदा ना सुधार। हुण एक टेलर कपड़े सींदा है, अगर इको ही डिजाइन के कपड़े सी जावे तो फिर थोड़े दिन जो डिजाइन की होएगा, लोगों ने ना पुराना हो गया छोड़ो हम नवा डिजाइन लीए। तो जो उही टेलर सोचे कि इदा बनाया हूँ अगली बार मैं होर अच्छा की कर सकता है, अगली बार मैं होर अच्छा की कर सकता, हर बार कुछ अच्छा करे तो लोगों ने कहना भाई जब भी ये को चीज अगे ना अच्छी होंगी, इसलिए एक ही जाना। हम बंदा आईफोन क्यों खरीदता है, जब मोबाइल क्यों खरीदता है, क्योंकि उन्होंने कोशिश होंगी कि पिछले मॉडल नालों ये अगले मॉडल जैसी कुछ अच्छा पाइए, कोई नवे फंक्शन देिए, कोई नवी ऐप देिए, क्योंकि जो नवी चीज़ होएगी तो बंदा फिर लैन वास्ते भी सोचेगा। तो जो पुराना ही होवे बंदे ने हैगा तो है, फिर की करना मैं, जरा सोचो गल सही है कि नहीं, आवाज नहीं आई, इसलिए सोचो समझो। हुण तुसीं जो भी घर च करदे हो ना, क्योंकि ये जिंदगी सानू इसलिए नहीं दित्ती कि असीं जिथे गए उत्थे ही बैठे रहिए, ये सोचो मैं अपने आप को बेहतर किदा बना सकता है, अपने आप को अच्छा किदा बना सकता है, अपने काम को अच्छा किदा कर सकता हाँ, अपने जीवन को अच्छा किदा कर सकता, सोचो। इनू कहते चिंतन। जिदा वर्ल्ड डिजनी बारे दस रहे सी कि उन्हें खड़ के जो खाली जमीन को देखिया मत्थे ते हाथ रख के अखा बंद करके थोड़ी देर खड़ा रहा, तो उहदा दोस्त आया, वह कह लगे वर्ल्ड डिजनी की सोच रहे हो? वह कहिंदा मैं सोच नहीं रहा, मैं देख रहा, विजन कर रहा कि इत्थे बहुत शानदार पार्क, बच्चों वास्ते बहुत शानदार पार्क बन सकती है। वो कहिंदे इत्थे तां बंजर ही है चारों पासे, वो कहिंदे बंजर है अज नहीं है पर मेरे आ जिहड़ा ना मन ने यह सपना देख लिया तो की हो सकता है। जिदा कहिंदे ना माली उहदे हाथ च बीज दे दो, वह बीजा नूं देख के जान लैंदा है कि किहड़ा गुलाब का है, किहड़ा चमेली का है, किहड़ा चंपा का है, इहनूं कित्थे लाना है, तो इत्थों कल नूं किहड़ा वृक्ष निकलना, उहनूं पहले ही हर चीज़ का पता होंदा है, वह प्लैनिंग ही उदा करता है। बोलो समझदे हो कि नहीं? नहीं तो बंदा कई बार की करता है, वह बंदा कहता आ बूटा इत्थे गला दो, जो लग जाए तो बड़ा वो यार पटना पैना, क्योंकि आ बूटा बड़ा हो गया ये घर नूं नुकसान कर रहा, पट के कितने होर लाइए ना, समझ जिथे देखो उत्थे कर देगा, बीज लगा देगा, बाद चो पछताएगा, तो समझदार पहली प्लैनिंग करेगा। बोलो समझदे हो कि नहीं? इसलिए घर के भी कई बार देखा होना कि पहला बंदा बेढंगा जहा कर लगा, बाद करना हो तोड़ना पैना आ करना पैना, तो जो प्लैनिंग करने वाले है वो पहले 20 साल की 100 साल की पहली प्लैनिंग कर लेंगे कि जो चीज़ बनाई है तोड़नी ना पवे, अगे असी कितना बैटर कर सकते हैं। इसलिए फिर वर्ल्ड डिजनी ने जो देखिया उन्हें वो जमीन खरीदी बड़े सस्ते रेट च, क्योंकि उत्थे बंजर सी, सस्ती खरीदी, और फिर जो पार्क शुरू की उन्हें तो कहा जाता है कि उन्हें जो पार्क शुरू की ना वो डिजनीलैंड बनाना शुरू किया, तो जो बन के तैयार होया उस कुछ दिन पहले ही उसकी मौत हो गई, उसकी मौत हो गई। जो उद्घाटन होया तो उद्घाटन उसकी पत्नी ने किया, यानी वो आप है नहीं सी, तो उसने पत्रकारों ने सवाल किया उसकी पत्नी नूं, कहिंदा जी काश अज वर्ल्ड डिजनी भी जिंदा होंदे वो अपनी अखां ने पार्क देख लेंदे, क्योंकि अज उन्हां दा सपना पूरा हो गया, अपनी अखां ने देख लेंदे। तो पत्नी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, वह कहती तुसी कहिंदे काश वो जिंदा होंदे देख लेंदे, वह कहती उन्होंने पहले ही देखिया होया सी ताही अज असी देख रहे हैं, जे वह ना देखते तो अज असी देख नहीं पाना सी।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਖਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਇੱਥੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿਚਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਬਾਥਰੂਮ ਬਣਨਾ ਕਿੱਥੇ ਬੈਡਰੂਮ ਬਣਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਘਰ ਦੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਉਹ ਮਾਈਂਡ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕੀ ਕੁਛ ਮਾਲਕ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਵੇ ਕਿ ਲੈ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਕੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਠੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਤ ਦਲਿਦਰੀ ਭਲਾ ਟੁੱਟੀ ਘਰ ਕੀ ਛਾਨ ਉਹ ਕੰਚਨ ਮੰਦਰ ਜਾਰ ਦੇ ਜਹਾਂ ਹਰੀ ਭਗਤੀ ਨਾ ਜਾਣ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਸਤਸੰਗ ਹੋਵੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਵੇ ਜੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਹਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਮਹਿਲ ਹੈ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਉੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਦੀ ਲੰਕਾ ਸੜੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਜਰਾ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਸਮਝ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਉਡਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਦੇਖੀਏ ਉਹ ਨੇਕੀਆਂ ਦਾ ਧਨ ਕਿਹੜਾ ਬੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਮਾਈ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਜ਼ਨ। ਬੋਲੋ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਨੇਕੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਨਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਛਾਈਆਂ ਨੇ ਕੰਮ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਛਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਿਰ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਆ ਜਾਈਏ ਦੂਜੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਕਿ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਦੂਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਰ ਕੰਮ ਕੋ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਸੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਹਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਮਾਡਲ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ 'ਚ ਨਵੇਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਕੁਛ ਨਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਬੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਵਿਕਰੀ, ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਟੌਪ 'ਤੇ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਮੋਬਾਈਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਛਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅੱਛੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਬਣਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਗਲਾ ਕਹੇ ਭਾਈ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਅੱਛਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬੈਸਟ ਅੱਛਾ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਅੱਛੇ ਗੁਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਵੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੁਲਾਵਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬੱਚਾ ਸੋਚੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਅੱਛਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ, ਦੇਖੋ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਿਆ, ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਬੱਚਾ ਬੜਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰੀ? ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਬਦ ਬਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਓਏ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਇੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਚੰਗਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਗਿਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ ਔਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਠਦੇ 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 ਇੰਨਾ ਉਚਾਈ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦ ਹੀ ਕੋ ਕਰ ਬੁਲੰਦ ਇਤਨਾ ਕਿ ਹਰ ਤਕਦੀਰ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦੇ ਸੇ ਖੁਦ ਪੁੱਛੇ ਬਤਾ ਤੇਰੀ ਰਜ਼ਾ ਕਿਆ ਹੈ। ਅੱਛੇ ਅੱਛਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਬਣ ਜਾਓ ਕਿ ਰੱਬ ਵੀ ਕਵੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਅੱਛਾਈ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਦੇਵਾਂ, ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬੋਲ ਕਰੇ, ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੇ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਰੱਖੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਬੇਟਾ ਦੱਸ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦਿਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਸਾਡਾ,
जो मंगेगा तेनू देवांगे। हुंदा कि नहीं इदां? तां जे बच्चा ही माँ बाप की इज्जत ना करे, माँ बाप की कदर ना करे, माँ बाप ना नफरत करे, तो फिर माँ बाप कहते निकल जाए इत्थों, तेरा कुछ भी है नहीं इत्थे, जा तेनू बेदखल किया। अच्छे बन के असीं दूजे का दिल इदां जित लैंदे हां, क्योंकि बहुत बार असीं देखिया है कि कई इदां दे भी हुंदे कि रिश्ता कोई नहीं हुंदा, पर वह अच्छाई करके इदा दिल जित लेंदे है कि अगला कहता सब कुछ तेरे ना ही कर देना, मेरी औलाद ने तो मैंने पूछा ही नहीं। क्योंकि गैरां नूं भी बंदा कई बार सब कुछ दे दिंदा है, उहदा प्यार देख के, उहदी अच्छाई देख के। बोलो गल समझ आ रही कि नहीं? हुण तुसीं चाहुंदे हो कि रब दीआं कृपा रहमतां मिलन, कामयाबी मिले, सफलता मिले, तां सफलता किहनां नूं मिलदी है? एक गल सच्ची दस्सिओ सानूं कि एक पासे एक बुरा बंदा खड़ा है, एक पासे एक अच्छा बंदा खड़ा है। हुण फर्ज करो इहनूं इदां होर आसान करिए कि समझ लो एक पास एक शराबी खड़ा, उन्हें शराब पीती हुई है, और एक पास एक इदा का बंदा खड़ा जो नशे को हाथ नहीं लाता। हूँ थोड़े को गड्डी है, तुम बना उन्होंने ड्राइवर, हूँ तुम कि हाथ गड्डी चाबी देनी पसंद करोगे? जरा नशे से टुनना, लै भैया मेरी गड्डी लै ला, 10 लाख की गड्डी है तू चलानी है, उन्होंने देवे? या फिर जरा किसी नशे को हाथ नहीं लाला? जवाब की है थोड़ा? एक तो जवाब बड़ी लेट देते, इदा लगता जो बड़ा औखा सवाल पूछा होंगे ना, इन्हू सोच के जवाब देना, इन्ने सौखे सवाल का जवाब भी इन्ना इन्ना टाइम ला देंगे हो तुम? अच्छा किनू चाबी दोगे गड्डी की? क्यों क्यों दोगे? क्योंकि ओहो अच्छा है। जरा गौर करना, पता है अच्छा है, किसी नशे को हाथ नहीं लाता। हुण कामयाबी हमेशा उन्हें मिलती है, साडा चाहे रब उपर बैठा परमात्मा रब हो, चाहे साडा कोई ऑफिस का बॉस होनू हमेशा तरक्की देनी है, जिहड़ा अपने काम च मेहनती होएगा अच्छा होएगा। तो जिहड़ा बस मैं हुणे चाह पी गया हाँ, बस चाह पीन जाना 2 घंटे मोबाइलों से गेमा गुमा खेड के फिर आ जाता बॉस, कहता निकल बाहर तेरे वर्गे बहुत है इतने, समझते हो कि नहीं? इसलिए बेस्ट करो, फिर जिंदगी तरक्की मिलती है, कामयाबी मिलती है, और रब भी उन्होंने रहमता दिता है। जिदा फिर कहे अगर हर रोज़ तुम अच्छे बनते चले जाओगे तो फिर तुम अच्छा इंसान हमेशा उपर उठता है, क्योंकि अच्छी एनर्जी हमेशा उपर लैके जाती है। बोलो समझते हो कि नहीं? अच्छी बोलवाणी होएगी, अच्छी सोच होएगी, अच्छा सुभाव होएगा, तो तुम उस बुलंदी पर पहुँच जाओगे जिथे परमात्मा रूपी पिता भी कहेगा दस बेटा तेनू चाहिए की है, मैं तेरी हर इच्छा पूरी करूँगा, क्योंकि तू अच्छा ही इन्ना है। इसलिए जेडे अच्छे होंगे इच्छावान भी उन्होंने पूरिया होंदिया है। हूँ कई बार बंदा कहता मैं तो बहुत अच्छा हाँ, पर उन्होंने रब क्यों दे जाता है? जो इन्नी गल आई उन्होंने क्यों मिली जाता है, मैनू क्यों नहीं मिलता? मैं तू अच्छा है नहीं, क्योंकि तू सड़ रहा है अंदरों अंदर, उन्होंने क्यों मिल रहा है? और जो अच्छा होएगा वह तो खुश होएगा, वाह और रब उन्हू दे रहा, तो मैं यकीन है जे रब उन्हू दे सकता है तो मैनू भी जरूर देगा, जे उत्ते रहमत हो सकती तो मेरे भी, क्योंकि बारी आनी है मेरी भी, समझते हो कि नहीं? इस करके तो जे बंदा मैं तो कभी किसी का बुरा नहीं करता, पर मेरे ना बुरा होंदा, वो इन्ना बुरा बंदा उहदे नाल अच्छा हो ही जांदा, इहदा मतलब जे तेरिया नज़र बुरा है ना, तो यह मतलब बुराई तेरे अंदर भी, क्योंकि अंदर बुराई है तो फिर ही बुरा नज़र आता है, जिहदे अंदर अच्छाई होवे उहनूं कोई बुरा नज़र ही नहीं आता। इसलिए जदों सानूं लगे ना वो मैं अच्छा वह बुरा, वह बुरे को सब कुछ मिली जाता, वह बुरा, जो इन्नी गल कह दी तो यह मतलब वह बुरा नहीं है, मैनू बुरा नज़र आ रहा है, यदा मतलब बुराई हले मेरे अंदर ही तो मैं मिल नहीं रहा। हूँ जे मैं तरक्की करना चाहता हाँ तो मैं अपने दिल च नहीं बस ये कहना परमात्मा तू सबनू दे रहा है तो शुक्र है तेरा, तू मैनू भी जरूर देगा। जिदा कहें एक अंब का पेड़ सी, अंब का पेड़ सी, उसे थोड़ा जहा बूर आता सी, झड़ जाता सी, फल नहीं लगते सी, तो एक दिन दूजे कोल एक सफेदा सी, सफेदे ने उन्हूं कहता वो लै भी देख लै, और देख रहा तेरे नाल दे दूजे अंबा के पेड़ों ते किन्ने अंब लगे हुए हैं, तू खाली है, तू खाली है। तो उस वेले हुण जे ये अंब का पेड़ ना नैगेटिव हुंदा ना, कहना हाँ पता नहीं रब मेरी किस्मत ही माड़ी है, पता नहीं रब मेरे ना इदा क्यों करता, उन्होंने सब कुछ दे जाता मैनू रब दिंदा ही नहीं, तो उस वेले वो पेड़ ने कहा कि पहली गल तो उन्होंने मिल रहा है ना शुक्र है परमात्मा का, क्योंकि उन्होंने वाल देख के मैनू खुशी है कि वह भी मेरे नाल दे साथी है, जे मैं अंब हाँ वह भी अंब के पेड़ है, वो जे अज वह अंबा नाल भरे हुए फलों नाल भरे हुए है, तो जिस परमात्मा ने अज उन्हें भरिया मैनू यकीन है एक दिन मैनू भी भरेगा, शिकायत नहीं है कोई भी, यदा मतलब हाले मेरी जड़ च कमी है थोड़ी जी, होर मैनू जड़ न गहरा करना पैना, मैं भी भरूंगा। कहते जो इन्नी गल हो शुक्र है
जिसने उन्होंने दिता मैनू भी देगा। तो अगले साल जो बूर आया तो बाकी सारे नालों ज्यादा आया इतने। जरा हुण गौर कर, कहिंदे उसले सफेदे ने कहा वाह अंबा तेरे ते तां सारे नालों ज्यादा आए है। वह कहिंदे ये भी उहदी रजा है क्योंकि मैं सड़ के अपनियां जड़ां नूं नहीं साड़िया, मैं शुक्र करके अपनियां जड़ां नूं होर गहरा किया। जदों असीं किसे तों जलदे हाँ तो जल के असीं अपनियां ही जड़ां साड़दे हाँ, क्योंकि अपने खून नूं साड़दे हाँ कि नहीं। वो तरक्की करी जाता हाए वो भी क्यों मिल रहा, वो को गाहक बहुत आ रहे हैं, वो काम बहुत चल रहा है, उन्होंने कोई फर्क नहीं। अपने सोच सोच के अपने आप फर्क पाई जाते, हाए मेरा दिल से दर्द होने लग पी, मैंने रात को नींद नहीं आती सोच सोच के, वह काम बड़ा चलता है। भाई क्यों अपनी जिंदगी खराब कर रहे हैं? शुक्र कर और यह यकीन रख कि रिजक देना मेरे मालिक के हाथ से अज उन्हू मिल रहा है तो मैं यकीन है कल मैनू भी जरूर मिलेगा। जो अच्छी प्रमोशन हुई है शुक्र है मेरे मालिक का कि उन्हें तरक्की दी है रब ने, तो मैं यकीन है जो भी हुई तो कल मेरी भी। इनू कहते पॉजिटिव सोच रखनी। हुण तुसी सुखी रहो या दुखी रहो? जवाब देना सुखी रहो या दुखी रहो? सच्ची लगते सारे दुखी राम ही हो, तुसी कह देंदे हो सुखी राम। हुण तुसी कहना जी मतलब कि कहानी सुनानी है तुहानू सुखी राम दुखी राम की। ये सुखी राम कौन सी? दो डड्डू सी, डड्डू समझते मेंढक समझते हो कि नहीं। हुणे दुखी राम मेंढक की पहला कहानी, एक दोजी सी जिहदा काम सी मोटरसाइकिल ते ना इधर दो टीन की कहिंदे उहनूं ड्रमियां दुध वालियां, ये दो ड्रमियां इधर दो इधर दुध ना भर लैणियां, फिर उहनां घरां च जाके उह दुध बेचना। एक बार की होया उह एक घर दे विच ना मोटरसाइकिल ला के दुध पाउण वास्ते अंदर गया तां शरारती बच्चे सी शरारती न्याणे सी, उन्होंने जदों देखिया कि दुध ही अंदर गया है मोटरसाइकिल बाहर है दुध दीआं ड्रमियां बाहर है, उन्होंने फटाफट की कीता, एक ना डड्डू सी मेंढक, उन्होंने एक मेंढक चक्या और चाके ना कनस्तर अंदर यानी वो ड्रमी का ढक्कन खोलिया बिच पा के ड्रमी बंद कर दी, ड्रमी बंद कर दी, शरारत की बच्चों ने। हुण ये जिहड़ा मेंढक सी दुखी राम ये जिद्दां ही बिच पिया नाल ही शैतान बच्चे मूर्ख बच्चे रवे कख ना इन्हां दा सब कुछ तबाह हो जाए इन्हों का, पागलों ने मैनू ड्रमी च बंद कर दिता, ना निकलता कोई रस्ता ना बाहर जाने का कोई रस्ता, हूँ तो मर गया मैं रब्बा जिदा इन्होंने मैनू बंद किया इन्होंने जिंदगी तबाह कर दे बर्बाद कर दे रवे कख ना इन्हों का, और हाय मैं मर गया। हाय की निकल का रास्ता ही कोई है नहीं, निकल का रास्ता ही कोई है नहीं, हूँ की होएगा। हूँ कहते इन्ना डर गया वह और थोड़ी देर च ही जो डर गया समझो, आवाज घट आई, जो डर गया समझो मर गया। वह इधर वो दूजी आया आ गया उन्हें मोटरसाइकिल तोरिया अगले घर जाके रोकया, जो ड्रमी खोली देखा भी डड्डू मरिया क्योंकि अगले घर दुध देना सी, उन्हें ओहो सारा दुध ही रोड़ दिता उन्हें तो दुध खराब हो गया पर मेंढक मर गया। हुण ये दुखी राम कि जदों कोई दुखी राम कौन है कि जदों कोई उहदे वास्ते बुरा बोलता है कोई गाली कढ देवे या कोई इदां दे हालात पैदा कर देवे ना तो फिर वह इहदा रवे कख ना बर्बाद हो जाए तबाह हो जाए, इन्हें मेरा नुकसान किया इन्हें मैनूं गाल कढ़ी रब्बा ने जबान बंद कर दे इहदा घर बर्बाद हो जाए, वह हमेशा बददुआवां देण 'च लगा रहिंदा है और हाए मैं फस गया मैं मर गया मुसीबत बहुत बड़ी है ये किदां दी मुसीबत 'च मैनूं पा दित्ता, ये सोच के वह टेंशन नाल ही हार्ट अटैक हो गया मंजे ते पिया। बोलो समझ दिओ कि आ जिहड़े कहिंदे ना हार्ट अटैक हुंदे आ अधरंग हुंदे आ हाई बीपी हो जाता है ये कहदे नाल हुंदे आ टेंशन नाल ही ज़्यादा हुंदे आ, समझदे हो कि नहीं। हुण इह दुखी राम जिहड़ा माड़ी माड़ी गल नूं इदां बधा लैंदा, तां हुण सुखी राम कौन है? हुण जिहड़ा सुखी राम दी कहानी ते आ जाईए कि हुण इक बच्चे ने फिर मेंढक उठाया, हुण इत्थे भी दूजी मोटरसाइकिल खड़ा करके चला गया अंदर दुध पाउण वास्ते। जरा समझना सारिआं ने जदों मोटरसाइकिल खड़ा करके दुध पाउण अंदर चला गया तो बच्चिआं ने ना एक मेंढक चक्किआ ड्रमी दा ढक्कण खोल्लिआ च पा के ड्रमी बंद करती, अरे ये मेंढक किहड़ा सीगा? ये सी सुखी राम। हुण जिद्दां ही इहनूं सिटिआ वो मेंढक कहिंदा है शरारती बच्चे ऐ परमात्मा इहनां नूं सदबुद्धि दे कि ये जिद्दां अज मेरे नाल इदां कर रहे किसे कदी दूसरे नाल इदां ना करन, इहनूं सदबुद्धि दे इहनूं अकल दे इहदे कृपा कर ऐ प्रभु तूं चाहवे तां सब दी बुरी सोच नूं खत्म करके चंगी बना सकदा है।
और हुण इन्हां ने मैनूं सुट्टिया है। ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, मैनूं विश्वास है जे मैं इस मुसीबत च आया हाँ तो मैनूं यकीन है तू मैनूं पैदा किया तो मुसीबत चो निकलने की ताकत भी तू मैनूं जरूर देगा। ये सोच दे नाल वह मेंढक तैरना शुरू कर दिंदा है ते कोई ना कोई हल होएगा क्योंकि मैनू बचाण वाला मेरे नाल है। वह हिम्मत छड़ के इदां ही पै गया, हाथ पैर मारदा रहा। इधर वो दूजी आया, मोटरसाइकिल स्टार्ट की, 5 मिनट लगे अगले घर गया मोटरसाइकिल रोकी, दुध पाना सी। हुण जो ड्रमी का ढक्कन खोलिया, यही तो मौका सी क्योंकि ड्रमी दुध ना भरी हुई थी जिसे जो तैर रहा सी। जिद्दे उन्हें ढक्कन खोलिया, इन्हें टबूसी मारी, बाहर निकल गया। कहिंदा शुक्र है रब्बा, विश्वास सी तू मेरे नाल है तो बचाएगा, जरूर बचा लिया। तू निकलने का रस्ता मिल गया। इसलिए यहाँ मतलब की है, सुखी राम जिहड़ा हुंदा ना उहदे मूहरे कोई सिचुएशन आ जाए तो कभी किसी की निंदा नहीं करता, वह कभी किसी कोसदा नहीं है, उन्हें इदा कर दिती, उन्हें उदा कर दिती। जिहड़े बंदे दूजे नूं दोष देण लगे रहिंदे आ, इहदा मतलब है जिंदगी च कभी कामयाब। हुण एक बच्चा जो फेल हो जाए पता की कहिंदा है, वह मास्टर ने सुहार बड़े औखे रख दिते सी, सुहार बड़े औखे सी। वो यार वो लास्ट वेले यार मैं बीमार हो गया सी, पढ़ नहीं होया दान है क्योंकि बुखार हो गया सी मैनूं, ये बहाने है सारे। तो जिन्हें करना होवे हुण तुसी यही कई बार कही दा ना कि कई बच्चे फेल हो जाते, कहते सवाल बड़े औखे सी या ऐसी बीमार हो गए सी या इहदे करके नहीं हो पाया, गर्मी बहुत सी, लाइट चली गई सी, तां पढ़ नहीं होया, वो बहाने। तो उन्हां पेपरां च कई बच्चे पास भी हुंदे आ, बोलो समझदे हो। जे वाकई पेपर औखे सी तो फिर पास होने वाले पास क्यों हुए, क्योंकि उन्होंने मेहनत, जरा हुण गौर कर, जिहड़ा मेहनत नहीं करता हमेशा दूजे ते दोष दिंदा है, तो जिहड़ा मेहनती इंसान है वह कभी किसी दोष नहीं दिंदा, वह कहिंदा कमी मेरी है तैनूं दूर भी मैं करना है। इसलिए सुखी राम इंसान कभी किसी दोष नहीं दिंदा, वह कभी किसी वास्ते बददुआवां नहीं करता, वह कभी किसी वास्ते बुरा नहीं मंगता, बल्कि वह कहिंदा जे मुसीबत आई है तो मैं डरना नहीं है, ये मुसीबत का सामना करना है। इसलिए इत्थे ये चौथा पॉइंट ये भी दसांगे, पहला किन्ने होए आ, दो है कि तीन, देखिए याद भी है कि नहीं तुहानू, चलो मैं तीजा पॉइंट रख लीए फिर। पहला पॉइंट अपने काम नाल, और दूजा पॉइंट है अपने हर काम नू बेहतर ढंग नाल करन दी कोशिश, और तीजा पॉइंट है कि अपने मालिक ते विश्वास रखिए कि मेरे मालिक च ये ताकत है, वह मैनू हर मुसीबत तो बचा सकता है। तो जे अज मेरे ते कोई मुसीबत है तो मैनू पूरा विश्वास है मैनू जरूर बचाएगा। ये पॉइंट याद रखो, मुसीबत नू देख के कभी हिम्मत हार के तो लै मुसीबत आ गई हूँ असी की करना, हूँ तो जो करना मुसीबत ही करे। जिदा कहिंदे ना नत्थू लाल नू किसे ने पुछया, ओ नत्थू लाल जे तू जंगल च जावे और तेरे सामने शेर आ जाए फिर तू की करूँगा। नत्थू लाल कहिंदा मैं की करना भरा, मैं बह जाना, फिर जो करना शेर नहीं करना, मैं की कर सकता फिर। बोलो समझ दिओ कि नहीं। तो एक बहादुर इंसान सी, उन्हूं पुछया जे तेरे सामने शेर आ जाए की करूँ, वह कहिंदा फिर की करूँगा, मैं पूरा शेर का मुकाबला करूँ, इदे नहीं मरना, पूरी कोशिश करूँ, या तो शेर मरेगा या फिर लड़दा होया अपनी जान दऊंगा, हार मन के नहीं बैठना मैं। ये बहादुर का काम हुंदा है कि जे मरना ही है तो डर के क्यों मरना, निराशा नाल क्यों मरना, हिम्मत हार के क्यों मरना, फिर तो हिम्मत नाल लड़दिया होया मरीए। कह तो सकते हैं ना, हुण झांसी की राणी मरी जरूर सी पर हिम्मत हार के नहीं मरी, अंग्रेजा नाल लोहा लेंदिया यानी टक्कर दिंदिया मरी। तो कथा भी उहदी हुंदी है ना कि खूब लड़ी मरदानी थी वो झांसी वाली। अज बच्चियां नूं ये सबक पढ़ाया जाता है, तो जरा सोचो अंग्रेज आते तो झांसी राणी महल जी बहिंदी, हुण मैं की करना, जो करना अंग्रेजा ने करना, मार देना आ गए, तो वो मिसाल नहीं बननिया सी। गल हार जा जित दी नहीं है, गल ये है कि मैं हिम्मत नाल मुकाबला किया या नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश की या नहीं। सो तुहाडे मूहरे कोई दुख आवे, कोई बीमारी भी आवे ना, तो कई बार देखिया वो डॉक्टर कह दें तेनू आ बीमारी है, तो बंदा हुण तां मर गया, बस उदास जे हो के बह जाते, रोटी भी छड़ दिंदे आ, पानी भी तो चलो पीना ही पीना है या होर चीज़ा, हुण की फायदा, बीमारी बड़ी खतरनाक है, मर गए हूँ। ये बंदा हमेशा मरेगा ही, क्योंकि मरना तो उदा भी है, ये जल्दी मरेगा। तो जिहड़ा बंदा कहे कोई गल नहीं, ये बीमारी आई है, मैं डरना नहीं, मैं मुकाबला करना है, और मैनू विश्वास है अपने मालिक ते, ओ मैनू इस मुसीबत चो जरूर कढ़ेगा, क्योंकि उहदे अंदर ये शक्ति है मैनू हर मुसीबत चो बचाण दी, मैनू बचाएगा।
ऐसा इंसान जल्दी और दुख चो निकल भी जाता है। असं बहुत इदा के जीवन मिला सकते हैं कि जिन्होंने डॉक्टर ने जवाब दे दिता सी इन्हें 6 महीने नहीं जीना, 3 महीने नहीं जीना, तो अच्छ किन्ने किन्ने साल हो गए तो अपनी जिंदगी वह जी रहे। इदा के हजारा ही जीव मिला देवे तो क्योंकि विश्वास विश्वास चमत्कार करता है। बोलो समझते हो अपने नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता जो इंसान अंदर अपने मालिक पर विश्वास हो। तीजा पॉइंट की है कि अपने मालिक पर विश्वास रखना कि मेरे मालिक को शक्ति है मैं हर मुसीबत चो बचा दी और मैं विश्वास है मैं हर मुसीबत तो बचाएगा जरूर। ये याद रखना क्योंकि दुख तकलीफा मुसीबतों का जिंदगी आनिया आदि रही कि नहीं। हम देखो बरसात आई सी तो जो हिम्मत ही हार के बह जाते हूँ सत्संग नहीं होना, हूँ चिक्कड़ हो गया टेंट इदा हो गया, पर तुम सारे रल के कोशिश की सेवादार लगे रहे तो देखो सत्संग का आनंद लै रहे कि नहीं। असं तो जी हिम्मत ही हार के बह जाते क्योंकि सानू दस्या 2-3 बार मान लो एक मजा नहीं है सत्संग करके जाना है, पता करो लागे कोई हाल है कितने भी है सत्संग और बारिश पैन पिछे भी एक राज है। जो दरबार तो तुरे से ना गर्मी मुंडे कहते गर्मी बहुत है ठंडा कर देंगे फिर लो फिर ठीक है। यह चीज़ की है ठंडा हो जाएगा और देखो ठंडा हो गया कि नहीं, क्योंकि जो रब ते विश्वास है तो रब नू करना पैंदा है जो तुहाडी जरूरत होंगी इच्छा होंगी रब वो कर दिंदा है पर पूरा वह दिल जितना पैंदा पहला। यह नहीं कि कम पुठे जे करी जाइए तो कही रबा सुनता नहीं मेरी, तो रब ने कहना मेरी तेरी सुन वाला तू कम कड़ा किया तू जो तेरी सुना कोई नेक कम किया कोई अच्छाई की दूजिया बुरा बोलता है दूजिया नफरत करता है दूजिया वैर करता है किसी वास्ते कभी भले की दुआ नहीं की किसी का कभी भला नहीं किया कभी सेवा सिमरन सत्संग नहीं जाता तो तेरा मैं की भला करा तेरी कितना सुना मैं। इसलिए रब भी उन्होंने सुनता है जेडे रब न प्यार करते हैं। बोलो समझते हो तुम चाहते हो रब थोड़ी सुने तो अपने मालिक नाल की करना है प्यार करना तो विश्वास रखना है कि मेरे मालिक अंदर ताकत है मैनू हर मुश्किल चो कढ़ण दी। बोलो समझते हो अपने हूँ ही अंदर जो जी मत्था टेक रहे थी ना एक औरत आई उन्हें आ गया मालको मैं बहुत खुश हाँ मेरे बच्चे दवाइया भी छुट गई हूँ पूरी तरह तंदुरुस्त इतने कितने बैठे से इतने शायद इतने बैठे हो चले गए अंदर ही दस रहे थे कहते मालको मैं बहुत खुश हाँ उन्होंने इन्नी गल ही कही कि मैं बहुत खुश हाँ बेटे दवाइया भी छुट गई पूरी तरह तंदुरुस्त है हूँ घर च बहुत खुशियां तेरा समझना ये रहमत होंगी है मालिक की कहता अगर इंसान प्यार विश्वास करता है तो मालिक की रहमत नाल झोलियां भी शायद तुम सी खड़े हो जाओ ना पता लगे संगत को आजीबा आजीबा ने कहा जी सू क्योंकि तुम्हें यह ना लगे कि मालिक उदे कही जाते तुम्हें कहा ना अंदर कि मैं बहुत खुश हाँ हूँ तो बच्चे दवाइया भी छुट गई बहुत रहमत है मालिक बह जाओ हूँ ये कुछ कुछ प्यार दियाँ विश्वास दियाँ गल्लां होंदियाँ है कि जो इंसान प्यार करता विश्वास करता तो फिर ही उसकी समझ आती है। बोलो समझते हो कि नहीं जिदा कहें किसी चीज़ का स्वाद लेना तो उन्होंने खा के ही देखना पैंता किसी के दसन बंदे वो स्वाद नहीं आता। हम तो थानू कहे ना अच्छ लंगर बड़ा स्वाद है तो थानू कह पता लगना स्वाद है देखना भाई अच्छा मैं भी खा के देखना फिर हूँ खुद खावे स्वाद फिर पता लगेगा ना इदा ही होंगे इसी तरह खुद प्यार करा खुद विश्वास करा तो फिर जो रहमत साढ़े तो होनी है वह पता भी फिर ही सानू लगना है। इस करके अपने मालिक नाल प्यार करिए विश्वास रखिए अपने मालिक पर। हूँ आ जाइए चौथे पॉइंट पे जरा समझना चौथा पॉइंट हमेशा आगे के बारे में सोचे। बोलो समझते हो अपने कहदे बारे हमेशा अगे बारे सोचना है असी दुखी क्यों होंगे हाँ असी हमेशा पिछे बारे सोचते रहते हैं उन्हें इदा कह दिता उन्हें मेरे ना इदा कर दी वो मेरा इन्ना नुकसान हो गया उन्हें मेरे पैसे मार ले वो सब कुछ पिछे है उन्हें बारे सोची जावे तो दुखी होके बैठे रहोंगे क्योंकि तुम जिन जो देखो जिन्हें भी दुख है ना पिछे अगे नहीं है। इस करके असी अगे बारे सोचना है की सोचना है कि ठीक है अज मैं तकलीफ में अज मेरा काम नहीं चलता पर अगे बारे की सोचना कि मैनू अपने मालिक से विश्वास है कि आने वाले समय च मैनू कामयाबी खुशियां तंदुरुस्ती जरूर मिलेगी। इनू कहते अगे बारे सोचना समझते हो कि नहीं एक बच्चा सोच लगा डॉक्टर बनना है पर हाए पिछे मैं फेल हो गया हूँ पिछली फेल फेल ही सोची जाए तो कभी डॉक्टर बने अगले सोचे वो ठीक है पिछे फेल हो गया पर आने वाले कल च मैं मेहनत करनी है मैं पता मैं डॉक्टर जरूर बनूंगा तो आने वाले कल च मेहनत करने वाला सोचने वाला इंसान एक दिन डॉक्टर भी होंदा कि नहीं। हूँ तुम गड्डी लैके जा रहे हो गड्डी का टायर पेंचर हो गया हूँ तुम सोचो हाए गड्डी का टायर पेंचर हो गया कहीं अगे भी ना हो जाए बुरा नहीं सोचना
बल्कि सोचना कि इतने हो गया ना, शुक्र है स्टपनी मेरे कोल है, हम मंजिल से खुशी खुशी पहुंचना है। अगे भी सोचने वाला ही बंदा हमेशा आनंद लैंदा है, खुशी लैंदा है। जे हुण तुसीं अज तो 6 महीने पहला बीमार होए, हुण फर्ज करो एक उदाहरण देन लगे है कि 6 महीने पहला या साल पहला किसी नूं करोना हो गया, हुण सब कुछ ठीक है, पर हुण भी सोची जावे हाए मैनूं करोना हो गया सी, हाए मैनूं करोना हो गया सी, मैनूं बड़ा डर लगता है। तो हुण भाई वह तो हो गया, चला गया, वो बारे सोच के अज भी डरी जाता, तो अज तू कभी आनंद जिंदगी का हुण ये सोच उदो हो गया क्योंकि उदो मैं कला सी, हूँ मैं अपने मालिक ना जुड़ गया, मैं अपने मालिक से विश्वास है, हूँ आने वाला समा मेरे वास्ते कामयाबी सफलता खुशियां भरिया होएगा, कोई बुरी चीज मेरे लागे आई नहीं सकती क्योंकि मेरा मालिक मेरे। इनू कहते अगे बारे सोचो, पिछे घाटा हो गया देख ले घाटे, हूँ अगे खुशियां आनगियां, हूँ अगे वाधे होणगे, हूँ अगे नफे ही नफे होणगे, नुकसान पिछे हो गए उहदे बारे नहीं सोचना। हूँ तो मैं तैयारी करनी है जित की, हूँ मैं तैयारी करनी है कामयाबी की, बोलो समझते हो कि नहीं। इस करके समझना सारे ने, अपने देश के ना कैप्टन होया सी कपिल देव इंडियन टीम दे, ते किसी ने कपिल देव नूं पुछया सी जदों वर्ल्ड कप जितया 84 च, शायद 84 च ही सी ना, 1984 च वर्ल्ड कप जितया सी, कि पहला एक मैच जितया फिर अगला मैच हार गए, समझते हो कि नहीं। तो उन्होंने पत्रकार ने कहा कि सोचते हो तुसीं, वो कहिंदे अज की होया, हुण इहदे बारे नहीं सोच रहे, मैं सोच रहा कल जितना किदा है, उहदी प्लानिंग चल रही है। हुण जे अज हार गए उहदे बारे सोच के लिया भी नशा करिए शराब पी गए हाए हार गए हिम्मत हार के बह जाइए, तो फिर अगला मैच कभी वो हार बारे नहीं सोचना। हुण साडी प्लानिंग है जो आने वाला कल है, आ जिहड़ियां अज कमियां सी ना आने वाले कल च असीं इह कमियां नहीं दोहराणियां, ये कमियां नूं दूर करके जितना किदा उहदी मेहनत कीती जावे। और वाकई फिर वर्ल्ड कप, हालांकि कोई उम्मीद नहीं करता सी कि इंडिया जितेगी, पर वो जिते क्यों, क्योंकि जिहड़ा कैप्टन सी ना वो हारन बारे नहीं वो जित बारे सोच रहा सी। ता ही तो एक कहावत है ना कि जे 100 शेर है उन्हां दा सरदार उन्हां दा मुखिया कुत्ते नूं बना दिओ तो 100 शेर भी हार के आणगे, क्योंकि उन्हां दा सरदार कौन है, कुत्ता डरिया होया। तो जे कहिंदे 100 कुत्ता है उन्हां दा कैप्टन एक शेर नूं बना दिओ तो 100 कुत्ता भी 100 शेर दे बराबर काम करेगा, क्योंकि उन्हां नूं हिम्मत देण वाला रस्ता दिखाण वाला उन्हां दा मुखिया शेर है। इस करके ये समझ लेना। सो फिर तुहानूं कहांगे कि कामयाब होना है तो आने वाले कल के बारे में सोचें कि कल मैं की बेहतर कर सकता हाँ, कितना मैं बेस्ट कर सकता हाँ, पिछे नुकसान हो गए छड्डा वो बोझ लैके मैं अगे नहीं बढ़ सकता, हुण मैं कामयाबी के शिखर पर पहुँचना तो बोझ उतार के मैं चढ़ाइया चढ़ सकता हाँ, समझ आ गई कि नहीं। इस करके ये सोचो मेरा मालिक मेरे नाल है, जो होएगा अच्छा होना चाहते कि नहीं, तो कह दियो जो होएगा बस ये विश्वास रखना है, समझते हो कि नहीं। ये किनवा पॉइंट है, चौथा। हुण पंजवा और आखिरी पॉइंट दस दईए और फिर सत्संग की समाप्ति करिए। पंजवा और आखिरी पॉइंट है कि क्षमा करना सीखिए और मुस्कुराना याद रखिए। की करना है, क्षमा करना माफ करना सीखना है, तो मुस्कुराना हमेशा याद रखना है कि मैं अपने चेहरे तक हल्की जी कामयाबी देखो कितना मिलेगी। क्योंकि कई बार होता इंसान माफ करना याद नहीं रखता, बोलो समझते हो कि नहीं। किदा बंदा कहता अच्छा इन्हें गलती की इन सारी जिंदगी माफ नहीं करना, वो सीखता ही नहीं कभी माफ करना, और जेड़ा माफ करना ना सीखे वो जिंदगी कामयाब कभी नहीं हो सकता। क्योंकि गल याद रखो जदों कोई गलती करता तुसी माफ कर देंगे हो ना तो वो तुहाडा रिश्ता जुड़िया रहिंदा है, ये गल याद रखना हमेशा। जे कल वो फिर गलती करता है तुसी माफ कर देंगे तो एक गल पक्की है कि तुहाडियां नज़रां च जिहड़ा है ना वो बेशक जिदा का मर्जी हो पर तुसी जदों माफ करते हो उहदियां नज़रां तां रब दियां नज़रां तुहाडा रुतबा उच्चा जरूर हो जाता कि भाई मैं बार बार गलती करता माफ करता है वाकई नेक बंदा है। और दूजी गल जदों असी किसी नूं माफ करते हैं तो साडा अपना दिल हल्का हो जाता है, क्योंकि नफरत का बोझ लैके दुखी तो आप ही बंदा होता है, कभी करके देखना। तो आप किसी ने नफरत करते हैं ना तो अपने आप में ना एक
फील होएगा कि अंदर जिदा कि बहुत ज्यादा होता, पर दिलों कह दियो जा तैनू माफ किया मैं, तो फिर तुसी अपने आप नू महसूस करोगे कि मेरा माफ करन दे नाल ही मन मेरा दिल हल्का हो गया। फिर कहांगे कि जिदा असी रब तो उम्मीद रखते ना कि रब मैनू माफ करे, बोलो समझ दियो करे। हुण फर्ज करो तुहाडे तो गलती हो गई, तुसी की चाहते हो रब मैनू सजा देवे जां माफ करे, की चाहते हो तुसी? माफ दे, माफ करे। जे दूजी बार गलती होवे फिर की तुसी कहोगे रब्बा हुण दो वारी हो गई माफ कर दे सजा दे, की चाहोगे फिर तुसी? की चाहोगे माफी चाहोगे ना? जे तीजी बार हो जाए फिर की चाहोगे? चौथी बार हो जाए की कहोगे? हुण जे तुसी 100 वार भी गलती करोगे तुसी कहना रब्बा माफ ही कर दे मैं तां गुनाहगार हाँ। हुण इह रब वाला गुण है माफ करना, तां दूजे बंदे नूं बंदा कहिंदा तैनूं किन्नी वारी करी आवां माफ, पहली बार करता दूजी बार करता हुण नहीं करना, तां जे रब भी तुहानूं कहे ओह पहली बार करता दूजी बार करता हुण तूं फिर कहिंदा माफ कर दे नहीं करना, तां फिर नहीं। रब इन्ना दयाल है जे 100 वार भी गलती करके बंदा माफ़ी कर मंगता है तो माफ, वो रब वाला गुण जदों साडे अंदर आएगा तो कामयाबी सानू, क्योंकि सब तो कामयाब परमात्मा है, बोलो समझ दियो करे। पर फिर कहांगे अगले नू माफ़ करना, अगले का गलतियां में साथ नहीं देना, बोलो समझ दियो करे। हुण फर्ज करो कोई बंदा शराब पींदा है, वो तू शराब पी ले यार माफ़ कर दे, अगे तो नहीं पींदा वो फिर पी गया चल माफ़ कर देता कर, चल मैं माफ़ करता नाले अगली बार बोतल मैं ही लिया के दिंदा तैनू, इहदा साथ नहीं देना अगले का गलती करन च। पुठे कम्मां च माफ़ करना अलग चीज़ हुंदी, तां अगले का साथ देना ये जानदे होए कि गलत है, साथ देना वो गलत हुंदा है। हाँ माफ़ करना ताकि मेरे अंदर कोई बोझ ना रहे, और याद की रखना है मुस्कुराना, समाइल करना, समाइल की तो है नहीं तुसी क्योंकि चेहरे की समाइल ना, फिर कहांगे ये चेहरे की समाइल जिहड़ी है ना ये इंसान दीयां खुशियां नू जिंदगी च वधांदी चली जाती है, क्योंकि तुहाडी छोटी जिही समाइल एक बीज का कम करती है, और जदों ये बीज जिदा धरती जांदा है तो फिर वधदा है ना, इसी तरह तुहाडी चेहरे ते अगर समाइल रहती है तो तुहाडे जीवन च भी खुशियां वधदियां चलियां जांदियां। कदी करके देखना घर ही तुसी ना गुस्से वाला मूँह लैके जाओ तो सारियां खुशियां खत्म, तो घर च हंसते हुए जाओगे तो खुशियां वध जाणगियां, हुंदा कि नहीं इदां? इसलिए अज ना एक गल याद रखनी है, 5 पॉइंट तुहानूं दसे है, ये किन्ने पॉइंट दसे है ये याद रखना, एक सफलता वास्ते कामयाबी वास्ते सब तो जरूरी पॉइंट है, इस करके अगर याद रखोगे। और सब तो बड़ा पॉइंट जिदा दसिया कि जे अज कोई दुख है, अज कोई बीमारी है, अज किसी किस्म की परेशानी है, कोई तंगी है, कोई गरीबी है, किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है ना, तो विश्वास रखना कि मेरे मालिक मेरे नाल है, मेरे मालिक के हाथ जो ताकत है मैनू हर मुसीबत चों कढ़न दी, और मैनू यकीन है मेरा मालिक मैनू हर मुसीबत चों जरूर बचाएगा। और आने वाले कल बारे सोचना है कि जे अज रात है तो कल खुशियां की सवेर भी, क्योंकि मेरा मालिक मेरे और मैनू अपने मालिक ते पूरा, सो कह दियो फिर हुण आखरले वचना च कि मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मैनू अपने मालिक ते पूरा, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरिया झोलियां खुशियां नाल, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरे सारे दुख दूर, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। हुण फील करना तुसीं कि रहमत हो गई है मेरे ते, समझदे हो कि नहीं? ओके, जिन्हें विश्वास ना ये गल कही है ना वो फील करो, उन्होंने अपने दुख दर्द तो होने हो ना कि मैं तो ठीक है, मेरे तो रहमत हो गई, क्योंकि उसकी रहमत को कोई टाइम नहीं लगता। जिदा कहते ना कि बंदे ने उसकी रहमत इदा है कि कोई बंदा कहे बिजली की होंगी है, कहना हाथ लाला हूँ ही पता लग जाता, हाथ लाया झटका पे अच्छा ये होंगी है, पर ये विश्वास की तार जोड़ दौ तो वो रहमत का झटका तो इदा लगता, बंदे सारिया तकलीफा दुख उदे दूर हो जाते, इंसान के जीवन खुशियां आ जाएं। इसलिए विश्वास रखो आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते खुशियां कामयाबी सफलता भरिया होएगा, और मालिक की रहमत जे बंदे दे नाल होवे तां फिर तां बंदे नूं ना आने वाले कल की चिंता हुंदी है, ना आने वाले कल का कोई डर हुंदा, ना ही फिक्र हुंदी है, क्योंकि उन्हूं पता हुंदा है कि आने वाला कल मेरे मालिक के हथ च है, तो जिहड़ी चीज़ मेरे मालिक के हथ च मेरे वास्ते चंगी होएगी, वह मेरे वास्ते अच्छी होएगी, मेरे वास्ते खुशियां लैके आएगी, क्योंकि मेरे वास्ते वह चीज़ कभी माड़ी हो ही नहीं सकती जिहड़ी मेरे मालिक के हथ च होवे। आने वाला समा कि हथ च है, वह रब के हथ च है ना, वह भगवान परमात्मा के हथ च है, तो फिर जे वो हथ च साडे वास्ते माड़ा कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि उन्हें सानू बनाया है, तो जे पिता ने सानू बनाया है तो उही करेगा जो साडे वास्ते
अच्छा है। इसलिए भरोसा रखना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, तो जो होएगा इस तो भी अच्छा, बाकी अच्छा ही होएगा, यकीन रखना। सो हुण इन्हां वचनां दे नाल ही असीं अज दे सत्संग की समाप्ति करांगे, और अंत में यही उस मालिक के चरणों च अरदास बेनती करांगे कि मालिक तुहानूं सबनूं नाम नाल जुड़न की ताकत दे, नाम जपण की ताकत दे, सेवा सिमरन करन दा, नेक मार्ग ते चलन दा, दान पुन करन दा, अच्छाइयां करन दा मालिक तुहानूं बल देवे, ताकत देवे, और अपनी रहमत, अपनी बख्शिश, अपनी कृपा हमेशा मालिक तुहाडे ते बनाए रखन। और फिर कहांगे कि आने वाला समा तुहाडे सब दे वास्ते तंदुरुस्ती, सफलता, खुशियां, कामयाबी भरिया होवे, यही साडी उस मालिक दे चरणां च अरदास बेनती है। और अंत विच तुहाडे सब दे अंदर वसदे उस मालिक नूं असीं प्रणाम करदे हां, साडा प्रणाम स्वीकार करो। जय मालका दी। वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया इसे शेयर जरूर करें। आपके शेयर करने से अगर किसी की जिंदगी में अच्छा बदलाव आता है, पॉजिटिव चेंज आती है, तो ये भी आपकी तरफ से किया गया एक नेक कर्म होगा, एक सेवा होगी। तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और वीडियो देखने के लिए सर्व संजय दरबार कांटिया शरीफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। जय माता दी। Yeah.